अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान कमर है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने स्टोरी हाईलाइट कैसे क्रिएट करनी है। बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता कि स्टोरी हाईलाइट को कैसे क्रिएट किया जाता है। ये हाईलाइट्स हैं सारी, ये कैसे क्रिएट की जाती हैं, कहाँ से क्रिएट की जाती हैं, इसके तीन तरीके हैं। वो तीनों आज मैं आपको बताऊँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले तो ये प्लस के बटन पर क्लिक करें, ये ऊपर है, इस पर क्लिक कर सकते हैं, या ये जो प्लस का बटन है आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों जो हैं, दोनों इसमें कारआमद है, दोनों से ये काम आपका हो जाएगा। अब मैं ऊपर वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दी हुई है, उसने रील, फिर पोस्ट, फिर स्टोरी हाईलाइट। अब हमने स्टोरी हाईलाइट के बारे में हमने इस पर काम करना है। तो स्टोरी हाईलाइट उसी की क्रिएट होती है जिसकी आप स्टोरी शेयर करें। आपने जो स्टोरी शेयर करनी है उसी की हाईलाइट क्रिएट होती है, इसके अलावा कोई हाईलाइट आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो पहले हम कोई स्टोरी शेयर कर लेते हैं। मैं आपको पहले स्टोरी शेयर करना बता देता हूँ और उसके बाद जो है उस स्टोरी की हाईलाइट बता देता हूँ। मैं स्टोरी पे क्लिक करूँगा। स्टोरी पे क्लिक करने के बाद मैं एक इमेज ले लेता हूँ, यहाँ से कोई भी रैंडम इमेज ले ली मैंने, इसकी मैं स्टोरी बना देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड भी कर सकता हूँ, इसमें चेंजिंग भी कर सकता हूँ, इमोजी भी ऐड कर सकता हूँ, इसमें लिख भी सकता हूँ। ये देखें, यहाँ पे जाके आप इसमें ड्रा भी कर सकते हैं, इनको ड्रा करके इसको फिर सेव भी कर सकते हैं जो चेंजिंग है। इसके अलावा आप यहाँ पे जाके इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं कि जो अच्छी और खूबसूरत लगे स्टोरी के अंदर। आप यहाँ पे कोई भी थीम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ रैंडम, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं डन करूँगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं इमोजी भी ऐड कर सकता हूँ, इसमें कुछ ऐड भी कर सकता हूँ, वो मैं नहीं ऐड कर रहा, उसको मैं रहने देता हूँ। आप चेक कर लीजिएगा इसके मज़ीद ऑप्शन जो हैं। तो यहाँ पे जो वाइट जो बटन है, ये एरो, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये बता रहा है कि योर स्टोरी। इसको जब मैं शेयर करूँगा यहाँ पे तो मुझे ये ऑप्शन देगा एक दो, जब ये शेयर होती है तो आपको नज़र आएंगे ऑप्शन बनेंगे। यहाँ पे वो कहता है, यहाँ पे आप इसको मैसेजेस में सेंड करना चाहते हैं तो आप मैसेजिंग में सेंड भी कर सकते हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जिनको आप सेंड करना चाहें। अब यहाँ से भी हाईलाइट क्रिएट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है ऐड टू द हाईलाइट्स, इसको यहाँ से भी हाईलाइट में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको हाईलाइट में भी क्रिएट नहीं कर रहा आपको, मैं एक ऑप्शन ये है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरी ऑप्शन बताता हूँ, वहाँ से भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं अगर ऑलरेडी आपके पास कोई स्टोरी शेयर है तो। यहाँ से इसको मैं डन कर दूंगा। सॉरी, ये स्टोरी जो है ये शेयर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और ये मेरी जो मैंने स्टोरी शेयर की है इसके ये तीन दाने जो हैं, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगी हाईलाइट्स की, नीचे हाईलाइट्स की ऑप्शन आ रही है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जब मैं हाईलाइट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी हाईलाइट में मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर आगे चलते जाएँ तो ये प्लस का बटन है न्यू का, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यही वाली जो स्टोरी है ये हाईलाइट बन के यहाँ पर शुरू में आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ से भी इसको ऐड नहीं कर रहा, मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताता हूँ कि आपने जाके हाईलाइट्स को कहाँ पे ऐड करना है। इसको मैं वापस आ जाएगा। अब देखें, ये हाईलाइट्स हैं, ये आपको हाईलाइट्स नज़र आ रही हैं सारी। ओके, आपने इसको चलाते जाना है आगे, या अगर किसी की हाईलाइट नहीं बनी हुई तो यहाँ पे ये प्लस का निशान बना होगा न्यू का, आपने न्यू के निशान पे क्लिक करना है। तो जो स्टोरी आपने शेयर की है उस स्टोरी को लेके आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ऊपर नेक्स्ट करें, ये आपकी हाईलाइट बन जाएगी। इसका कोई भी आप नाम रख दें, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अपना नाम ही लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे इसको मैं एडिट कर दिया, यहाँ पे अगर मैं एडिट कवर करूँगा तो इसका मैं कोई सा भी कवर यहाँ पे तस्वीरों में से भी ले सकता हूँ या यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करता, मैं इसी को रहने देता हूँ, उसको मैं डन कर देता हूँ, वो कवर चेंज हो जाएगा यहाँ से ऊपर से। तो इसको मैं यहाँ पे डन करता हूँ, जब मैं इसको डन करूँगा तो ये वाली स्टोरी, ये देखें, यहाँ पे आ गई है, ये वाली स्टोरी यहाँ पे आ चुकी हुई है, ठीक है, ये स्टोरी हाईलाइट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी हाईलाइट का तरीका जो है वो समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।